इस भिखारी को एक बार भीख दे दो। और मैं तो भर्ती सब लोग से कह रहा हूँ, अरे भाई तन निकलना तो नहीं यार, लाख रुपये दीजिए, बुढ़े बुढ़े भवन बेचो सब करूँगा। और इसलिए अपील कर रहा हूँ कि भैया मुझे लकड़ी इसलिए दे दो कि या तो मौका दो मुझे। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि सिंह है और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। चुनाव प्रचार तो आपने देखे होंगे, मगर आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, इनके प्रचार करने का तरीका बेहद अलग है। जी हाँ, घनसाली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह, ये जनता से वोटों की भीख मांग रहे हैं। तो इस भिखारी को एक बार भीख दे दो। और मैं तो सब लोग से कह रहा हूँ, अरे भाई तन निकलना तो नहीं यार, लाख रुपए दीजिए, बुढ़े बुढ़े भवन बेचो। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि या तो मुझे वोट दो या फिर मेरे दाह संस्कार के लिए लकड़ी। आप खुद सुन सकते हैं। सब करूंगा और इसलिए अपील कर रहा हूँ कि भैया मुझे लकड़ी इसलिए दे दो कि या तो मौका दो मुझे। भाई योग्य आदमी हो, सब कुछ ठीक है। और आप सब लोग कहते हैं घनसाली के लोग कि भाई अनुसूचित जाति में नेता है तो धनीलाल सा है, तो भैया नेता है तो बना दो ना। तो मैं एक अपील कर रहा हूँ। धनीलाल जनता से ये भी कहते फिर रहे हैं कि अगर 10 मार्च को परिणाम उनके हित में नहीं आया तो 11 मार्च को उनका चौथा होगा। हर जगह भाई मैं साफ तो बोलूं, भाई जी तुम हमेशा साथ देने आप लोगों को। अब हरदीप दयाल नेता 10 तारीख रिजल्ट होना, 11 तारीख मेरे पास को देना। इसके बाद जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। शाह जी का एक वीडियो जो कि वो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है, जहां पर धनलाल शाह वोट अगर हम मुझे नहीं देते हैं तो मेरी अर्थी को लकड़ी अवश्य दे। क्या कारण है धनलाल जी के आपको ये बयान देना पड़ा, ये जो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। उत्तराखंड तक का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज कोटी फैगुल के बणचुरी, इंद्रोलिया, इंद्रोला, सांगड़िया, आपका पटागली, पिलखी और अब द्वारी आदि का भ्रमण कर रहा हूँ। लोगों का अपार जन समर्थन है और मुझे दो देखने को मिल रहा है कि पिछले 2012 से लेकर जनता में दो बार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनता ने चुने। अब ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि धनीलाल चुनाव जीतते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।